दोस्तों भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को पीछे कर दिया भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चर्चा में स्वागत है। वैसे तो आज बहुत खुशी की बात है, बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी भोजपुरी सिंगर का गाना यूट्यूब में नाव में ट्रेंड हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते हैं कि म्यूजिक में ट्रेंड होता है, लेकिन ये नाव में ट्रेंड हो रहा है। और यह भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी के दोनों सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का गाना इस समय ट्रेंडिंग में है। बहुत खुशी की बात है। आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले बताया, खेसारी लाल यादव जी का गाना 3 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं पे पावर स्टार ने अपना पावर दिखाया है और उनका गाना 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पवन सिंह का आज गाना रिलीज हुआ है बारिश, और खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज हुआ है जय जय शिव शंकर। दोस्तों आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है भोजपुरी के लिए, अच्छा दिन है क्योंकि ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। खेसारी भाई का भी गाना ट्रेंड कर रहा है, पवन भाई का भी गाना ट्रेंड कर रहा है, ये भोजपुरी के लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। और वाकई में ये दोनों गाने ट्रेंडिंग के लायक हैं, चाहे बारिश की बात की जाए पवन सिंह के गाने की, चाहे जय जय शिव शंकर खेसारी लाल यादव गाने की बात की जाए। दोनों गाने बहुत ही बढ़िया हैं, दोनों अलग अलग जोन के हैं, दोनों का मूड अलग है, फ्लेवर अलग है। एक गाना जहां की पवन सिंह का गाना आप सुनते हैं तो एकदम मन में सुकून आता है, फीलिंग आती है, आंख बंद करके ये गाना सुनने लायक है, तो एक वहीं जहां देखिए खेसारी लाल यादव गाना है, मस्ती भरा गाना है, भक्ति वाला गाना है। आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आज भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टारों का गाना 1 और 3 नंबर पे ट्रेंडिंग में कब्जा बनाए हुए है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।